The children's sailing basket were sons and daughter of the refugee. ये जो बच्चे थे जो टोकरियां बेच रहे थे इन्हीं शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थीं. They or their parents or relative had gathered in cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. और इन बच्चों के माता पिता या रिश्तेदार जो किसी भी शहर में पहुँचे थे वहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी मोटी दुकानें लगा रखी थी और साधारण वस्तुएं बनाया करते थे, साधारण वस्तुओं का उत्पादन करते थे और अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रयासरत थे उस मार्केट में जो पहले से ही भरी हुई थी. मतलब वहाँ पे पहले से ही बेचने वाले काफ़ी थे. They lived in cloth and grass shed that lined the street. वे सभी स्ट्रीट के या गली के किनारे पर घास और कपड़े के बने हुए शेड में या आवास में रहते थे. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन्हीं शरणार्थियों में कुछ गंवार भी थे जो अपने जीवन की जरूरतों को कम करके जीने के लिए अभ्यस्त हो चुके थे. For the annual income of all an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. और इनकी जो वार्षिक आय थी उन लोगों की जो कृषि पे निर्भर करने वाले परिवार थे उनकी वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं थी. द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट ए डे आर लेस देन $2 ए वीक. और एक औसत अकुशल श्रमिक एक दिन में 30 सेंट कमा लेता था या बना लेता था, बल्कि कहीं कमा लेता था, या हफ्ते में $2 से भी कम कमा पाता था. देर इज यू 1 meal ए डे एन ओनियन ए पीस ऑफ ब्रेड ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क पर हैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज. और एक समय का जो भोजन था वह कुछ इस प्रकार का था, एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल दूध के साथ और हो सका तो पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा जो बकरी के दूध का बना हुआ होता था. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट. उनके लिए चाय, कॉफ़ी, दूध, मक्खन, मिठाई, मांस, मछली बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं था. $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक. एक साल में $100 का मतलब होता है कि एक हफ्ते में $2 से भी कम, क्योंकि हफ्तों की संख्या एक साल में 52 होती है. इस हिसाब से $100 को देखा जाए तो प्रति हफ्ता $2 से भी कम आता है. इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम. ऐसी स्थिति में इन शरणार्थियों को अपने सामानों को बेचना और पैसे कमाना
अत्यधिक मुश्किल था, क्योंकि जो खरीदार थे वे बहुत ही गरीब थे. दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक ए लोकस्ट. कोई संदेह की बात नहीं है कि इन्हीं कारणों से ये शरणार्थी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति छा गए. आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन. मैं एक अमेरिकी उन बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार मार्केट या बाजार था. उस बाजार से उन्हें बेहद उम्मीद थी. आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज. मैंने एक छोटी सी टोकरी को कुछ आने दे के खरीदे. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर. और एक फलों की टोकरी को भी खरीदा जिसको कुछ ज़्यादा आने दिए जिसके बदले में. ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी. एक सुंदर सी टोकरी थी जो खराब या प्रयोग कर चुके गए कागज से बनाई गई थी, उसको भी एक रुपये दे के खरीदा. ए लवली स्विमिंग बास्केट फॉर ए रूपी. और एक सिली हुई टोकरी थी जिसे भी मैंने एक रुपये दे के खरीदा. ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस. और एक प्यारा सा सिला हुआ टुकड़ी भी खरीदा एक रुपये दे के. और साथ ही साथ कुछ पंखे भी खरीदे एक दो आने देकर. माय आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट. मेरी बाहें या मेरे हाथ भर चुके थे जबकि मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था. The children passed in shouting their wares. बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे चिल्लाते हुए अपने सामानों के साथ. I was a prisoner completely surrounded, unable to move. मैं एक कैदी की भांति था, पूरी तरह से घिरा हुआ और चल पाने में असमर्थ. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9. राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एक बहुत ही गरिमामय और आक्रामक विक्रेता थी जो कि एक छोटी सी सुंदर सी बच्ची थी जिसकी उम्र 9 वर्ष थी, 9 वर्ष था, और वो मेरे सामने खड़ी थी. सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल. उसके पास एक बहुत ही प्यारा टोकरी थी जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था. And she wanted a rupee and half for it, or about 30 सेंट. और वो इस टोकरी के बदले में 1.5 रुपये लेना चाहती थी, या 30 सेंट, 30 सेंट. उस समय 30 सेंट की कीमत 1.5 रुपये हुआ करती थी. She was an earnest pleader. वो एक प्रभावशाली विक्रेता थी. देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज. उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट. उसके कथन में या उसके कहने में ऐसी याचना थी, उसके स्वर में ऐसी याचना थी जो किसी के भी हृदय को झिझोड़ दे. माय आर्म्स वेयर फुल. मेरे हाथ या मेरी भुजाएं भरे हुए थे. आई हैड नो रूम लेफ्ट अमोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट. मेरे पास और किसी टोकरी को रखने की न तो आवश्यकता थी, न स्थान ही था. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म. अपने बाएं भुजाओं पे मैंने टोकरियों और पंखों को संभाला, संतुलित किया. आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज. और अपने दाहिने हाथ में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर
फुटकर पैसे या छुट्टे पैसे निकाले, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, संभवतः 15 सेंट रहे होंगे, विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। और उन पैसों को मैंने उस लड़की के टोकरी में रख दिए, उस छोटी लड़की की टोकरी में रख दिए जो मेरे सामने भीख जैसा मांग रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेटेड टी एज सब्स्टिट्यूट। मैंने उसको यह समझाने का प्रयास किया कि मैं अब और नहीं खरीद सकता और यह मैं उसको ऐसे ही टिप में खुशी के साथ दे रहा हूँ। आई रियलाइज एट वंस दैट ऑफेंस आई हैड गिवन। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है, मैंने क्या अपराध कर दिया है, ऐसा मैंने महसूस किया, अपराध बोध हुआ। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन। वह बच्ची जो 9 वर्ष की थी और चिथड़ों में लिपटी हुई थी और भुखमरी के कगार पे थी, रेड हर चीन अपने चेहरे को उठाती है, रिस्ट इन टू द बास्केट अपने टोकरी में हाथ डालती है, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और पूरे ही गर्व और गरिमा के साथ, जैसा कि एक भली औरत में होता है, उसने पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सका। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज स्माइल एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास बट ग्रास हट एंड वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। उसने अपने आँखों को पोछा, मुस्कुराया और फिर प्लेटफॉर्म से उतर गई और उसके बाद घास फूस की झोपड़ी में चली गई, जहाँ पे कम से कम उस रात 30 सेंट तो थे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस पूरी घटना को, पूरी कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने उनको यह भी बताया कि यही एक रीजन है, एक कारण है जिसके कारण मुझे भारत से, हिंदुस्तान से प्यार हो गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप। मैंने जिन भी लोगों को देखा, चाहे वो गांव के लोग रहे हों या बड़े कार्यालयों में कार्यरत लोग रहे हों, दोनों ही प्रकार के लोगों में अपने जीविका के प्रति गर्व था और उनमें विनयशीलता भी थी और साथ ही साथ शिष्टता भी थी, सभ्यता भी थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर स्वावलंबी होने का भी ललक था, पैशन था। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वैलर एंड पॉवर्टी अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। यह सुंदर बच्ची जो गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई थी, अशिक्षित भी थी हर तरह से, चाहे वो पुस्तकीय ज्ञान हो या फिर सामाजिक तौर तरीके, दोनों से ये अनभिज्ञ थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सूल्प ऑफ इंडिया। उसने मुझे
भारत के विशाल सहृदयता का एक झलक दिखला दिया।